नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे प्रॉपर वे में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है उसको कैसे पास किया जाए। इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को आप कैसे पास करो। देखो, पॉलिटेक्निक जो टेंथ पे होता है जिसका एंट्रेंस एग्जाम, हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, बड़ा होके कुछ करे और बड़ा होकर के नाम करे, कुछ ऐसा करे कि हम सबको लगे कि नहीं वो कुछ कर रहा है। तो पॉलिटेक्निक जो है ना, एक मिडिल लेवल की फैमिली या लो लेवल की फैमिली के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बच्चों के लिए। और चाहे वो करे या ना करे, उसका एंट्रेंस एग्जाम वो दिलवाते जरूर है कि एक बार एंट्रेंस एग्जाम दे। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद वो देखना चाहते हैं कि मतलब कैसा है कैसा नहीं है, पूरी मतलब जानकारी रखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप टेंथ में है, ट्वेल्थ में है, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले कि अगर आप टेंथ में हो तो बोर्ड का एग्जाम सबसे पहले अच्छे से दो। पॉलिटेक्निक के एग्जाम की बिल्कुल टेंशन ना लो। पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो बोर्ड एग्जाम के बाद ही होता है। बोर्ड एग्जाम हो जाता है उसके बाद एक महीने या 20-25 दिन बाद होता है। उतना जो टाइम होता है वो इनफ टाइम है आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए। देखो, अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आपको देना ना, तो सबसे पहले अनसॉल्व पेपर जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं वो लो और प्रैक्टिस करो। हर डे एक प्रैक्टिस सेट पूरा करो। टाइम नोट करो कि जो 3 घंटे का टाइम होता है उस 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने सही कर रहे हो। माइनस मार्किंग होती है तो 1/4, आई थिंक जब हम लोग पढ़ते थे तो 1/4 होता था। अभी पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मतलब 4 क्वेश्चन गलत करते तो 1 कट जाता था। तो अगर आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले अनसॉल्व पेपर खूब प्रैक्टिस करो। जितना आपसे प्रैक्टिस हो सकता है उतना करो। 10 साल का जो अनसॉल्व पेपर है पॉलिटेक्निक का, प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस ना, मैं बता रहा हूं, इतनी ज्यादा आपके अंदर क्लियरिटी ला देगी, इतनी जल्दी क्लियरिटी ला देगी कि आप जब एग्जाम देने बैठोगे एंट्रेंस एग्जाम का पॉलिटेक्निक का, तो आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपने इतने अच्छे मार्क्स अचीव कर लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। और एक और टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं मैं पहले स्टार्टिंग पेपर मैथ से करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले उस सेक्शन को छुओ, उस सेक्शन को करो जो बहुत मतलब न्यूमेरिकल टाइप में नहीं होते हैं, सीधे 1-1-1, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब जो है ना बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट टाइप में फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। 15-20 क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, उनको तो आप टाइम मतलब लगाओ मत, पहले उन्हीं को सॉल्व कर दो, उनको टिक मार्क कर दो जितना आते हैं। उसके बाद जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है आप उस पर पूरा टाइम देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के बड़े उलझाओ क्वेश्चन होते हैं, बड़े ट्रिकी टाइप में होते हैं, तो आप क्या करो, तो सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करो। उनको सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं उनपे आओ, नेक्स्ट जो सेक्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री का उस पे आओ, उसके बाद जाकर के आपका पेपर सही होगा और अच्छे से आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर क्लियर कर ले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है तो एक बात आप लोगों को जरूर ध्यान में रखनी होगी, और कि मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हो 100% श्योर हो तभी उसको टिक मार्क करें। ये जरूरी नहीं कि अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया है तो आप अगर 80 क्वेश्चन करोगे तभी पास होगे, जरूरी नहीं है। अगर आप 50 क्वेश्चन भी सही कर देते हो पॉलिटेक्निक में तो अच्छी रैंक आपकी आ जाएगी 50-60 क्वेश्चन पे। बहुत होते हैं 50-60 क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ होते हैं तो माइनस मार्किंग होता है तो बच्चे उलझ जाते हैं। और अभी कॉलेज भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, लगभग 20,000 से 25,000 गवर्नमेंट कॉलेज है पॉलिटेक्निक के, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी पॉलिटेक्निक में लगभग 25,000 गवर्नमेंट कॉलेज है। तो 25,000 बहुत होते हैं, जहां बीटेक के अभी भी 2,000 के करीब में ही वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट, तो 2,000 और 25,000 में बहुत डिफरेंस होता है। तो लोग जो लोग चार एंट्रेंस एग्जाम देने वो बी अवेयर, मतलब पूरी प्रिपरेशन करके जाए। और कुछ अलग नहीं होता सब्जेक्ट जो आप पढ़े रहते हो ना, जो फिजिक्स पढ़े हो, जो केमिस्ट्री पढ़े हो, जो मैथ पढ़े हो, उसी में से पूछता है, लेकिन घुमा के पूछता है,
चीजें थोड़ा सा क्रिटिकल करके पूछता, लेकिन पूछता आपका सिलेबस ही है। आप किसी के बहकावे में ना आए, नर्वस मत हो, और जो लोग देने जा रहे हैं वो सही से दें। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे को ना अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई ऐसी बुक दिखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर मिली तो आप लोग वहां से परचेज भी कर सकते हो अनसॉल्व पेपर पॉलिटेक्निक के लिए। तो मेरे दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।